हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि स्पीड प्लस 9.0 सॉफ्टवेयर में गोडाउन मैनेजमेंट कैसे करनी है। गोडाउन मैनेजमेंट की डिमांड हमारे पास काफी समय से आ रही थी। काफी लोग हमसे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे इस फीचर के बारे में डिमांड कर रहे थे कि गोडाउन मैनेजमेंट सर कैसे करनी है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। दोस्तों गोडाउन मैनेजमेंट हमने स्पीड प्लस 9 में पहले से दी हुई है। इसको यूज कैसे करना है, कैसे इसमें एंट्री करनी है, कैसे उसकी सेल परचेज की एंट्री करनी है, कैसे गोडाउन का स्टॉक चेक करना है और गोडाउन टू गोडाउन ट्रांसफर कैसे करना है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और कोई भी आपका इसके बारे में डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोडाउन मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम आइटम्स में जाएंगे। आइटम्स में सेटिंग्स में सब आइटम मास्टर में जाएंगे। सबसे पहले तो हम गोडाउन को एक एज ए सब आइटम बना लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ सब आइटम में मैं 1 ले लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ गोडाउन। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया गोडाउन, इसको मैंने अप्लाई कर दिया तो ये मेरा गोडाउन बन गया। तो गोडाउन बनाने का अभी बेनिफिट क्या है, यहाँ पर जब भी हम आइटम बनाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपके कौन से गोडाउन में कितनी आइटम पड़ी है और जब भी हम इसकी परचेज करेंगे तो कौन से गोडाउन में हमने कितनी उसकी परचेज करी है। यहाँ पर हम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम एक आइटम बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आइटम बनाई, मैगी बना लेते हैं। ये हमने एक आइटम बना ली, इसको कितने परसेंटेज में तो आपको पता ही है। यहाँ पर हमने मेंटेन गोडाउन में टिक लगाना है, यहाँ पर हमने इसको टिक कर दिया। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर गोडाउन का हमारे पास कॉलम बन के आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गोडाउन है शॉप, हमारी शॉप में है मैगी, रेट इसका 10 रुपये 15 रुपये एमआरपी। और इसका जो ओपनिंग स्टॉक है मीन्स इसमें हमारे पास शॉप में 100 पीस पड़ा है। और दूसरा है गोडाउन हमारा स्टोर बोल लो या ए गोडाउन बोल लो, जो मर्जी जैसा आपने नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। ए गोडाउन रख दिया मैंने उसका नाम, इसमें हमारे पास 200 पीस पड़े हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आइटम बनाई और उसका ओपनिंग स्टॉक शॉप में कितना है और ए गोडाउन में कितना है हमने यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन कर दिया। तो इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव होते ही इसका इफेक्ट क्या गया, चलिए अभी हम स्टॉक रिपोर्ट में देखते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि आपके पास मैगी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 300 पीस है। अभी इसको हम यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करके हम एक्सपेंड सब आइटम्स में जाएंगे। तो इसको हमने देख लिया तो मैगी का स्टॉक जो है शॉप में हमारे पास 100 पीस है और एक डाउन में हमारे पास 200 पीस है। अभी जब हम परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, यहाँ पर हम परचेज में जाएंगे, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, इसको हम परचेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने मैगी उठाया तो इसने मुझसे पूछा कि ये मैगी आप परचेज करके शॉप में रखना चाहते हैं या उसको एक डाउन में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डाउन में रख देता हूँ। मैगी के मैंने कितने पीस लिए, 500 पीस लिया 8 रुपये के हिसाब से। तो ये हमने क्या किया, इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हम दोबारा से उसको स्टॉक रिपोर्ट को चेक करते हैं, यहाँ से भी हम स्टॉक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास कितना पीस है, टोटल 800 पीस है। और अगर हम एक्सपेंड सब आइटम करके देखेंगे तो हमारे पास कितना पीस है, 700 पीस हमारा एक डाउन में है और 100 पीस हमारा शॉप में है। तो दोस्तों अभी हम सेल करते हैं, सेल में भी सेम ही सिस्टम है। यहाँ पर हम सेल करेंगे, न्यू करेंगे, यहाँ पर हमने मैगी लिया। ये आप गोडाउन से सेल कर रहे हैं या शॉप से सेल कर रहे हैं। दोस्तों गोडाउन को एज ए सब आइटम बनाने का बेनिफिट ये है कि एक ही बिल में आप गोडाउन वाली आइटम्स को भी एंटर कर सकते हैं और शॉप वाली आइटम्स को भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम इसको गोडाउन से सेल कर देते हैं। गोडाउन से हमने 50 पीस सेल कर दिए और सेल किया हमने 10 रुपये के हिसाब से और ये हमारी सेल हो गई। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। अभी दोबारा से आपको स्टॉक रिपोर्ट चेक करते हैं, 750 पीस है। यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, आप देख सकते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक 200 था, 500 आपने परचेज किया और 50 पीस आपने सेल कर दिया, तो आपका जो स्टॉक बचा वो बचा 650। तो दोस्तों अभी ये सारा कुछ देखने के बाद आपके मन में क्वेश्चन पैदा होगा कि अगर हमने गोडाउन से स्टॉक शॉप में लेकर आना है तो वो कैसे लेकर आएंगे। उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने प्रोडक्शन को ऑन कर देना है। मॉड्यूल्स में जाएंगे, यहाँ पर एक मॉड्यूल है प्रोडक्शन का, इसको मैंने ऑन कर दिया। और अभी हम एक बार सॉफ्टवेयर क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको ना ये दो एंट्रीज मिलेंगी, प्रोडक्शन और स्टॉक जर्नल। हमने स्टॉक जर्नल में जाना है। स्टॉक जर्नल में हमने यहाँ पर आपके पास दो सेक्शन है अलग अलग, फिनिश्ड गुड्स जनरेटेड और रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। फिनिश्ड गुड्स में तो आपने वो वाला गोडाउन पिक करना है जिसमें हम आइटम्स लेकर आ रहे हैं, मीन्स जो गोडाउन की आइटम आपकी प्लस होनी चाहिए वो गोडाउन आपने यहाँ पर लेना है। अभी हम यहाँ पर आइटम लेंगे मैगी, मान लो हमने एक गोडाउन से शॉप में लेकर लाने हैं 150 पीस, तो हम यहाँ पर शॉप ले लेंगे। शॉप में हमारे पास कितने पीस आए, 150। और यहाँ पर नीचे करेंगे हम रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में मैगी एक गोडाउन से 150 पीस, इसको हम यहाँ पर लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। इसको मैं अभी हम आपको स्टॉक रिपोर्ट चेक कराते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में बाय डिफॉल्ट आपको 750 पीस दिखा रहा है, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैगी आपकी जो शॉप वाली है वो होगी 250 पीस और जो एक डाउन वाली है वो होगी 500 पीस। अगर आप इसको सेल भी करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 250 और 500 अलग अलग शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हम इसको सेल करेंगे, ये हमने इसको सेल किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शॉप में जो आपको बैलेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 250 और एक डाउन में आपको दिखा रहा है 500। तो ऐसे करके दोस्तों आप बहुत ईजिली बहुत आसानी से गोडाउन को मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसके बारे में हमसे फोन पे भी पूछ रहे थे, कमेंट्स में भी पूछ रहे थे,
और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी। बिकॉज ये सॉफ्टवेयर आजकल क्या है, आजकल ये सॉफ्टवेयर इंडिया में तो इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, इंडिया के बाहर भी अलग अलग कंट्रीज़ में, सराउंडिंग एरियाज़ में, जैसे नेपाल में, पाकिस्तान में, चाइना में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लग रहा है। बिकॉज ये यूनिकोड है, अभी हर लैंग्वेज में ऑपरेट होता है, चाइना में भी ऑपरेट होता है और जापानीज़ में भी ऑपरेट होता है ये सॉफ्टवेयर, और रशियन में और फ्रेंच में। यूनिकोड सॉफ्टवेयर होने के कारण ये हर लैंग्वेज में ऑपरेट हो रहा है सब जगह पर। आपको पता है गोडाउन तो अभी हर बिजनेसमैन के गोडाउन तो है ही है, तो सब लोग डिमांड करते हैं कि गोडाउन कैसे मैनेज करेंगे। तो इस वीडियो में आपने ये सीखा, इसके बारे में आपके कोई भी सुझाव हैं या आपके कोई भी कमेंट्स हैं वो आप हमें व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और हमें आप यूट्यूब पर भी कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए नए इनोवेटिव वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद, खुश रहो, तरक्की करो।